तो इसके अंदर मोशनल ईएमएफ अभी हमने किया। मोशनल ईएमएफ है जब रॉड मूव कर रही है लेफ्ट की तरफ, तो अगर इसमें करंट की डायरेक्शन निकालनी है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बी बोर्ड के अंदर है, थंब इधर है, तो करंट नीचे। करंट नीचे का मतलब है कि इस रॉड में करंट अगर नीचे आएगा तो यहां से घूमता हुआ इस तरीके से क्लॉकवाइज जाएगा, इसका मतलब ये है। तो इसमें क्लॉकवाइज करंट होगा। इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसमें आएगा, करंट इंड्यूस्ड इन अ लूप। तो करंट इंड्यूस्ड इन अ लूप, तो इसी लूप में कितना करंट जनरेट हुआ, मान लो रॉड की रेजिस्टेंस आर है, तो ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, बीएलवी को आर से डिवाइड कर देंगे, तो करंट आ जाएगा। ये भी क्लियर है यहां तक? तो करंट की वैल्यू आ गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म। अब फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म में क्या होगा, जब आप इस रॉड को लेफ्ट मूव करवा रहे हो इसमें इंड्यूस करंट आ जाएगा, मानते हो इसके अंदर इंड्यूस करंट आ जाएगा, क्लियर है? अब पिछला चैप्टर अपना रोल प्ले करेगा, कौन सा, मैग्नेटिक्स का। क्या रूल था, जब भी कोई करंट कैरिंग रॉड इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, आपने रॉड को मूव करवाया, इसमें करंट पैदा हो गया। अब करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, बी आई एल। तो बी आई एल की वैल्यू, बी आई एल साइन 90 रादर। तो अगर आपको याद हो, अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन पूछूं तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकलती है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी बोर्ड के अंदर है और करंट कैसे था, इसमें नीचे था, तो फोर्स कहां लगेगी, राइट। तो बी अंदर है, करंट नीचे है, तो फोर्स कहां लगेगी, राइट। तो मैं इसे कैसे खींच रहा हूं, लेफ्ट, और ये करंट ऐसे जनरेट करेगी रॉड कि रॉड कहती है अच्छा तू मुझे लेफ्ट खींच रहे हो, तू मेरा फ्लक्स कम कर रहे हो, मैं नहीं जाती राइट या मैं नहीं जाती लेफ्ट, तो मैं अपने अंदर ऐसा करंट पैदा करूंगी कि मैं अपने आप ऊपर फोर्स जनरेट करवा लूंगी, कहां, टूवर्ड्स राइट, ताकि मेरा फ्लक्स कम ना हो सके। लेंस लो, तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि करंट कैसे पैदा हो रहा है इसमें। तो करंट इस तरीके से इसमें जनरेट हो रहा है कि इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगी, टुवर्ड्स राइट। तो कितनी लगेगी, इसमें फोर्स लगेगी कितनी, बी आई एल साइन 90। इसमें करंट क्या है, बी एल वी बाय आर, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। इंपॉर्टेंट है, इसको बॉक्स में डालो, डेरिवेशन भी आती है, न्यूमेरिकल भी आता है, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिखो इसमें, तो इसके अंदर फोर्स की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। उसी तरीके से इसी के अंदर पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स कितनी है। अब मैं इसे कहां खींच रहा हूं, लेफ्ट, रॉड में करंट पैदा हो गया और फोर्स कहां लगवा रही है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि भाई ऐसे कैसे लेफ्ट हो गया, मैं इसे, या रॉड अपने आप कैसे मूव करेगी वहां, मैं इसे जबरदस्ती यहां मूव करवाऊंगा, एक्सटर्नल तो मैं ही हूं ना, तो मैं रॉड को यहां मूव करवाना चाहता हूं, तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, पावर। अब लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फोर्स कितनी लग रही है, बी आई एल, तो मुझे राइट की तरफ मूव करवाने के लिए कम से कम फोर्स चाहिए, बी आई एल। ज्यादा लगाऊंगा तो रॉड एक्सलरेट करेगी, पर अगर मैं बराबर फोर्स लगाऊंगा, बी आई एल, तो उस केस में इट विल मूव विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, और हमें गिवन है कि रॉड इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो मैंने भी इसका मतलब रॉड को लेफ्ट मूव करवाने के लिए कितनी फोर्स लगाई, बी आई एल, ठीक। और पावर कितनी लगाई, पावर क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर, पावर आ गई। कोई डाउट इसमें, तो पावर का एक्सप्रेशन भी क्लियर हो गया, इतनी पावर मुझे लगानी पड़ेगी ताकि रॉड लेफ्ट मूव करे। अब जब रॉड में करंट होगा तो पावर डिसिपेटेड एज अ जूल लॉस हीट, मतलब वायर गर्म हो जाएगी या रॉड गर्म हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट से कितना पावर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर, हमने किया था इलेक्ट्रिसिटी में। आई की वैल्यू कितनी है, बी एल वी बाई आर का होल स्क्वायर इंटू आर। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया। तो आपने एक चीज नोट की, जो पावर मैंने लगाई थी उतनी ही पावर हीट की फॉर्म में जनरेट होगी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। तो हीट लॉस और मेरा अप्लाइड पावर एग्जैक्टली वैल्यू में क्या होगा, सेम। क्लियर है यहां तक? तो पावर का फॉर्मूला आ गया, हीट लॉस का फॉर्मूला आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया, क्लियर है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसके बाद आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं इसके अंदर कि सपोज आपके पास जैसे रॉड है जिसमें करंट जनरेट हुआ था और बाकी तो रेल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, सर्किट है। तो आप इमेजिन करें कि यहां पर करंट जनरेट हो रहा है, तो इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन करना है कि यहां पर एक बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी की ईएमएफ कितनी है, बीएलवी, इमेजिन करना है नहीं, बीएलवी। तो बीएलवी की एक बैटरी लगी हुई है और जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर, रॉड की रेजिस्टेंस यहां लगा दो और बाकी रेल्स हैं, तो करंट देखो कैसे, एंटी क्लॉक। तो ये जो डायग्राम है और ये डायग्राम एग्जैक्टली सेम माना जाएगा। तो यहां तक सबको क्लियर है,
किसका सर्किट कैसे कंपेयर कर सकते हैं।